देखिए, ये जो आपका इज एम आर है, वाज वर है और विल भी है, ये ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि कहीं पर इसका प्रयोग कुछ होता है और कहीं पर इसका जो प्रयोग है वो कुछ होता है। तो कहीं पर तो ये हमें सिंपल सेंटेंसेस की तरह दिखेगा, कहीं पर ये पैसिव की तरह दिखेगा, तो कहीं पर इसका प्रयोग हम टेंसेस की तरह करते हैं और कहीं पर इसका प्रयोग किसी अलग ही रूप में होता है। तो वो सारी चीज़ आज हम देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एक तरह से ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली क्लास है। आज आपका जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा और एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आज आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। आज हम इज एम आर, वाज वर और विल बी, इन तीनों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जो इज एम आर है और जो आपका वाजवर है। ठीक है, इज एम आर और वाजवर ये आपके तीन भागों में डिवाइड होते हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको चाहे हो सकता है कि आपको एक ही चीज के बारे में पता हो कि भाई इज एम आर को हम टेंसेज में यूज करते हैं, शायद आपको ये ना पता हो कि इनका प्रयोग हम सिंपल सेंटेंसेज में और पैसिव वॉइस इनमें भी कर सकते हैं। तो देखिए, तीनों में इनका प्रयोग होता है, इज एम आर का, वाजवर का। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेज में, टेंसेज में और पैसिव वॉइस में। अब जो सिंपल सेंटेंसेज हैं, इनका मतलब होता है कि इनमें आपकी वर्ब नहीं होती है। क्या नहीं होती है? वर्ब नहीं होती है। ये विदाउट वर्ब के होते हैं जो आपके सिंपल सेंटेंसेज होते हैं। और जो आपके टेंस होते हैं और पैसिव वॉइस होते हैं, इन दोनों में आपकी वर्ब होती है, यानी कि ये वर्ब के द्वारा बनते हैं। और सिंपल सेंटेंसेज में आपकी वर्ब नहीं होगी। आप वर्ब का मतलब लगा सकते हैं, जो आप यूज करते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये आपके सिंपल सेंटेंसेज में नहीं होती है। ठीक है, तो यहां तक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को देखते देखते ही आप नोट्स भी बना सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि कहां पर किसका प्रयोग करते हैं। जो आपका इज है और जो आपका वाज है, ये यूज होगा आपका ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ। जैसे कि ही इज, सी इज, इट इज, या फिर ही वाज, सी वाज, इट वाज, इस तरह से। और जो आपका आर है और जो आपका वर है, ये यूज होगा ही, सी, इट को छोड़कर जो भी कुछ बच जाता है सबके साथ आपको आर और वर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक तो इनको हम तीन चीजों में यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंसेज में, टेंसेज में और पैसिव वॉइस में। दूसरा, इनको कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ठीक है, आई का तो हमेशा एम के साथ ही रहता है प्रयोग, इसका बदलता नहीं है। ठीक है, यहां तक यूज हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यदि आपको इज एम आर इनके बाद बींग लिखा दिखाई दे, क्या बींग, बी ई आई एन जी, तो इसका मतलब होता है कि ये जो सेंटेंसेज है ना, ये पैसिव में है और ये प्रेजेंट का पैसिव है और प्रेजेंट की कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बताना चाहता है। इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि काम को ना किया जा रहा है, काम को किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, अब ये मैंने बताया था पैसिव में है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा और फिर आपका बींग आएगा। ठीक है, और फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए, उसे पीटा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है। अब यहां पर ये तो बताया नहीं गया कि भाई किसके द्वारा उसे पीटा जा रहा है ना, तो पैसिव है। मतलब पैसिव का हमें कैसे पता चलता है? पैसिव का हमें पता चलता है कि उसमें जो काम को करने वाला होता है ना, उसको तो छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं, बाकी जिस पर काम हो रहा है उसको दिखा देते हैं। अब यहां पर देखिए, उसे पीटा जा रहा है, उसे, इस पर काम किया जा रहा है ना, इसको पीटने का काम किया जा रहा है, सिर्फ इसी को दिखाया जा रहा है, यानी कि जिस पर काम होता है उसी को दिखाया जाता है, बाकी बाकी चीजों को छुपा दिया जाता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया ही इज बींग बीटन। ही आपका ऑब्जेक्ट है, ना कि यहां पर सब्जेक्ट है, क्योंकि ये है ना जो ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, अपने ऊपर पिटने के कार्य को होने दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर आपकी इज एम आर में से ही के साथ इज आता है तो इज लगा दिया, फिर बींग आता है और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन आप किया जाएगी। अदर वर्ड्स इसमें है ही नहीं तो लिखेंगे कहां से? इमारत बनाई जा रही है तो बोलेंगे द बिल्डिंग इज बींग कंस्ट्रक्टेड, द बिल्डिंग इज बींग कंस्ट्रक्टेड। द बिल्डिंग आपकी यहां पर ऑब्जेक्ट है, इज आपका यहां से आ गया है हेल्पिंग वर्ब से, बींग आपका यहां से, और कंस्ट्रक्ट की थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड फॉर्म आ गई है। तो इमारत को बनाया जा रहा है, बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसे पीटा जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, हमें भगाया जा रहा है, सब्जी बेची जा रही है, दूध बेचा जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपके पैसिव वॉइस में आएंगी और वो भी इज एम आर के साथ बींग लगकर इस तरह के सेंटेंसेज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको इज एम आर के साथ
जो बीइंग का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ, यानी कि ये पैसिव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जो इज़ आ रहा है ना उसको सिंपल सेंटेंसेस और टेंसेज इन दोनों में भी दिखाऊंगा, इन दोनों में किस तरह से यूज करते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंसेज इधर आएंगे और टेंसेज इधर आएंगे। सिंपल सेंटेंसेज में जो स्ट्रक्चर होगा इज़ आर का, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इज़ आर होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मैंने बताया था सिंपल सेंटेंसेज में विदाउट वर्ब के यूज होंगे, वर्ब नहीं होगी। लेकिन यहां पर देखिए सब कुछ सेम है लेकिन वर्ब यूज हो गई है और वर्ब में लग गई है आईएनजी, ठीक है। वर्ब में क्या लग गई है? आईएनजी लग गई है। सब्जेक्ट इज एमआर, वर्ब और आईएनजी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। देखिए राम अच्छा लड़का है, ठीक है, राम अच्छा लड़का है, तो हमने बोल दिया राम इज ए गुड बॉय, तो राम आपका सब्जेक्ट है, इज एमआर में से इज आ गया, ऑब्जेक्ट में आपका यानी कि अदर वर्ड्स में आपके ये सारे वर्ड आगे जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो राम अच्छा लड़का है, यहाँ पर देखिए कोई काम नहीं हो रहा है बल्कि राम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो सिंपल सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि हम किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम सिंपल सेंटेंसेज का यूज करते हैं। देखिए राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, वह घर पर है, यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन दी गई कि भाई वो तो घर पर है, ही इज एट होम, ठीक है। और आप अच्छे छात्र नहीं हैं, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, आप अच्छे छात्र नहीं हैं, अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, मतलब आपको हम बता रहे हैं कि आपके बारे में, ठीक है। तो ये हो गई सिंपल सेंटेंसेज का मतलब होता है कि हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन जब टेंसेज की बात आती है तो भैया वर्ब होगी। अब जब वर्ब होगी तो जैसे कि राम खेल रहा है, तो ये जो वर्ब है ना ये कुछ ऐसे कार्य को बताएगी जो अभी कंटिन्यूटी में है, जो अभी हो रहा है हमारे बोलते टाइम या हमारे देखते टाइम। तो राम खेल रहा है तो बोलेंगे राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। तो राम आपका सब्जेक्ट है, इज एमआर में से इज आ गया, प्ले आपकी वर्ब है और आईएनजी वर्ब में लग गई है और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। वह पढ़ रहा है तो बोलेंगे ही इज स्टडिंग, ही इज स्टडिंग। द्वेश टीवी देख रहा है, ठीक है, तो बोलेंगे द्वेश इज वॉचिंग टीवी, द्वेश इज वॉचिंग क्या टीवी, द्वेश क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है। इस तरह से आप सिंपल सेंटेंसेस और टेंसेज इन दोनों को देख सकते हैं और इन दोनों में अंतर भी कर सकते हैं। पैसिव वॉइस तो इनसे अलग ही हो गया, वो तो अलग है, मैंने पढ़ा दिया था पहले ही। सिंपल सेंटेंसेज और टेंसेज में ये छोटा सा अंतर होता है जो कि हमने इज एम आर के द्वारा देख लिया है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो कोर्स है ना वो लॉन्च हो चुका है और उसका जो प्राइस है ना वो 299 है। और इसमें हमने क्या किया है, बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ लाइव आपको वॉइस और चैट दोनों प्रैक्टिस करने का ऑप्शन मिलेगा। ए टू जेड वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस अभी 299 है, बाद में इसका 700, 800, 900 बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो अभी आपके पास मौका है, ज्वाइन कर लीजिए। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ई बुक्स चाहिए, ई बुक्स चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ई बुक्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप फोन में ही पढ़ें तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमने इज एम आर को किसके साथ देखा था, हमने देखा था सिंपल सेंटेंसेज में, टेंसेज में और पैसिव वॉइस में। एक और चीज मैं आपको एक साथ बता देता हूँ वाचवर के साथ, जो आपका इज एम आर है या फिर वाचवर है इन दोनों के साथ आप टू का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि इज एम आर टू, जैसे इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, इस तरह से भी यूज करते हैं। अब जब ये इस तरह से यूज होंगे ना तो इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसे काम को दिखाएंगे जो कि पहले से ही प्लानिंग कर लिया गया है कि भाई इसको ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मतलब ये पहले से ही प्लान हो चुका है कि हमें ये करना है। तो कोई काम करना है ये तो प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट का बनाना है तो इज एम आर, और कोई काम करना था पास्ट का बनाना है तो वाचवर। देखिए स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यही तो है, इज एम आर वाच वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब ही है। इनके बाद टू लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया था इनके साथ टू आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए मुझे जाना है तो मैंने लिख दिया आई एम टू गो, आई आपका सब्जेक्ट है, इज एम आर में से एम आ गया क्योंकि प्रेजेंट का है, टू आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अभी मुझे जाना है ना, कुछ इसको इस तरह से भी बनाते हैं, आई हैव टू गो। इज एम आर में आप इसको बना सकते हैं, हैज है में भी आप इसको बना सकते हैं। इज एम आर में ये प्री प्लान चीज को दिखाता है कि पहले से प्लानिंग हो चुकी है, हैज है में ये एक तरह से आपके मतलब मजबूरी को दिखाता है, ठीक है, कंपल्शन को दिखाता है कि भाई मुझे जाना ही है, आई हैव टू गो, ठीक है, आप मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर ये प्लानिंग है, और दूसरी बात ये नॉर्मल चीज है, ये आपके कंपल्शन को दिखाएगी। यहीं पर इसको हमें पास्ट में बोलना कि मुझे जाना था तो बोलेंगे आई वॉज टू गो और आई हैड टू गो, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसे खेलना है, ही इज टू प्ले या फिर ही हैज टू प्ले, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर हुआ कि इनके साथ जब टू आएगा तो क्या सेंस निकलेगा।
अब देखिए, जैसे हमने इज एम आर के साथ बींग का इस्तेमाल किया था, वाज वर के साथ भी बींग का इस्तेमाल होता है। किया जा रहा था, कोई काम किया जा रहा था। देखिए, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, वाज वर, बींग, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। दूध बेचा जा रहा था तो बोलेंगे द मिल्क वाज बींग सोल्ड। द मिल्क वाज बींग सोल्ड, दूध को क्या किया जा रहा था, बेचा जा रहा था। कमरे साफ किए जा रहे थे, द रूम्स वर बींग क्लीन्ड। अब इनका मतलब क्या है, दूध बेचा जा रहा था मतलब पैसिव का मतलब ये होता है कि जो काम है ना उसको दिखाया जाएगा, ना कि काम के करने वाले को। तो देखिए, दूध बेचा जा रहा है, दूध को दिखाया जा रहा है कि दूध बेच रहा है। कौन बेच रहा है, मोहन शॉन, कौन बेच रहा है दूध को, ये नहीं दिखाया गया। कमरे साफ किए जा रहे थे मतलब ये नहीं बताया गया कि कमरे किसके द्वारा साफ किए जा रहे थे, बस ये बता दिया कि काम हो रहा था। ठीक है, तो इसमें हम पैसिव वॉइस को देखते हैं, वाज वर का पास्ट में और इजमार का प्रेजेंट में बींग के साथ इस्तेमाल करते हैं जब हमें कंटिन्यूटी वाले पैसिव के बारे में बताना हो। अब देखिए, वाज वर को हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेज में, तो इधर सिंपल सेंटेंसेज, इधर टेंसेज आपका आएंगे। देखिए, सिंपल सेंटेंसेज में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, वाजवर, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वाजवर के लिए बना रहे हैं। टेंसेज में हमें वाजवर के बाद वर्ब मिलेगी क्योंकि टेंस में हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, राम अच्छा लड़का था तो बोलेंगे राम वाज ए गुड बॉय। राम वाज ए गुड बॉय, राम क्या था, एक अच्छा लड़का था। वह घर पर था तो ही वाज एट होम, और आप अच्छे छात्र नहीं थे तो बोलेंगे यू वर नॉट अ गुड स्टूडेंट। यू वर नॉट अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे छात्र नहीं थे। तो इस तरह से आप सिंपल सेंटेंसेज में वाज वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेंसेज में इनका इस्तेमाल करना है तो देखिए, राम खेल रहा था मतलब पास्ट में कोई काम कंटिन्यूटी में था, तो जब पास्ट में कंटिन्यूटी में होगा तो वाज वर, प्रेजेंट में होगा तो इजम वर, तो राम वाज प्लेइंग, वह पढ़ रहा था ही वाज स्टडिंग, दिवेश टीवी देख रहा था दिवेश वाज वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस देता हूं, हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।